Very good morning, my dear students, and you are welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, student, today's topic is AC circuit with pure resistor. बेटा कल हमने EMF की इक्वेशन करी थी, ये इक्वेशन थी E is equal to E naught sin omega t. ये AC की इक्वेशन होती है, AC करंट जो मैग्नेटिक करंट होता है उसकी ये EMF की इक्वेशन होती है. अब हमें जो सर्किट करनी है, आज तक जो तुमने सर्किट किए हैं वो बैटरी लगा के किए हैं, डीसी करंट के साथ किए हैं सर्किट. अब हम अपने सर्किट को जो इनपुट देंगे वो बेटा एसी देंगे, अल्टरनेटिंग करंट के लिए देंगे, ठीक है. और अभी हमारे सर्किट में सिर्फ प्योर रेजिस्टर लगा रहेगा. देखो तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें थ्री कंपोनेंट्स होते ही होते हैं, एक रेजिस्टर होता है, एक इंडक्टर होता है और एक होता है कैपेसिटर. अब तुम्हें इंडक्टर पता चल चुका है क्या होता है, सोलेनोइड लाइक शेप होती है, जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक इंडक्टर होता है, ठीक है. वो इंडक्टर तुम्हें पता है क्या होता है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं, तो हम एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टर, कि जो हमारा एसी सर्किट है अगर उसमें सिर्फ प्योर रेजिस्टर लगा होगा तो क्या रहेगा. मैं डायग्राम बनाता हूँ इसके, पॉइंट्स होंगे बेटा, पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सभी डायग्राम्स में, सभी क्वेश्चंस में करने हैं. जैसे अभी मैं कर रहा हूँ एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टर, इसके बाद करेंगे एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर, फिर करेंगे एसी सर्किट में प्योर कैपेसिटर. लेकिन तुम पॉइंट्स को लर्न कर लो कि स्टार्टिंग में कैसे पॉइंट्स चलेंगे. फर्स्ट पॉइंट पे डायग्राम बना दो. डायग्राम कौन सा होता है, सर्किट डायग्राम होता है बेटा, एक रेजिस्टर लगा दो, ठीक है. यहाँ पर इनपुट एसी देनी है, गलती से भी बैटरी मत लगाना. रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आर को बोलते हैं. सेकंड पॉइंट जो होगा बेटा वो होगा इक्वेशन ऑफ ईएमएफ. ईएमएफ की इक्वेशन क्या है हमारी, वो सब में सेम होगी क्योंकि ईएमएफ किसका, एसी इनपुट दे रहे हो ना, तो एसी का ईएमएफ क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ये तो पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी ईएमएफ की, और ये वाली जो वैल्यू होती है टी टाइम पर होती है, ठीक है. दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू और दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ. थर्ड इक्वेशन बनेगी बेटा इक्वेशन ऑफ करंट. अब ध्यान से देखना बेटा, जो इक्वेशन ऑफ करंट होगा रेजिस्टर के केस में तो इक्वेशन ऑफ करंट बहुत सिंपल है, लेकिन बट रेजिस्टर के केस में सिंपल है लेकिन बाकी जो केसेस हैं उनमें ये जो इक्वेशन है वो ड्राइव करनी पड़ती है इंडक्टर और कैपेसिटर में, लेकिन इसके अंदर सिंपल है तो देखते हैं कैसे. चलिए इक्वेशन बेटा, अगर ये ईएमएफ है, ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज, अगर मैं अपने वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को करंट मिल जाएगा. ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहते हैं कि अगर तुम अपने ईएमएफ को किससे डिवाइड कर दोगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें करंट मिलेगा. तो ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड कर देते हैं हम रेजिस्टेंस से, ठीक है ना. तो इक्वेशन वन डिवाइड विद आर, तो हम इसको डिवाइड करें तो ई बाय आर, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी. तो ई बाय आर क्या बन गया, आई. ई नॉट बाय आर क्या बन गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये बन गया. क्लियर है, क्या क्या पॉइंट्स आए हमारे,
एसी सर्किट पे अगर सिस्टम में डायग्राम हमने बनाया इक्वेशन ऑफ ईएमएफ की इक्वेशन ऑफ करंट की है तो ये इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ये है इक्वेशन ऑफ करंट ये जो बेटा इक्वेशन है ईएमएफ की और करंट की इसमें जो ओमेगा टी है ये वाला ओमेगा टी इसको क्या बोलते हैं ये जो एंगल है ओमेगा टी दैट इज नॉट एज अ फेज इसको हम फेज बोलते हैं देखो EMF की इक्वेशन में भी एंगल कितना है ओमेगा टी करंट की इक्वेशन में भी एंगल कितना है ओमेगा टी साइन का ही एंगल है देखो यहां पर भी साइन का एंगल है यहां पर भी साइन का ही एंगल है तो यहां पर जो साइन का एंगल है वो ओमेगा टी है और इस एंगल को हम फेज बोलते हैं तो यहां पर भी जो ओमेगा टी होगा उसको भी तुम क्या बोलोगे फेज बोलोगे ठीक है अब थोड़ा सा तुम अगर ये दोनों इक्वेशंस को देखते हो ऑब्जर्व करते हो तो दोनों इक्वेशन में ईएमएफ की इक्वेशन है और करंट की इक्वेशन है दोनों की इक्वेशंस में फेज जो फेज है वो सेम है कितना ओमेगा टी ओमेगा दोनों का फेज सेम आ रहा है ओमेगा टी अगर बेटा फेज सेम है तो क्या होगा फेज सेम होने का मतलब है ना तो करंट आगे जाएगा ना ईएमएफ आगे जाएगा कहने का मतलब है दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होंगे सेम टाइम पे रुकेंगे ऐसा नहीं है कि करंट आगे चला गया ईएमएफ पीछे रह गया या ईएमएफ आगे चला गया करंट पीछे रह गया इनमें कोई भी आगे पीछे नहीं होगा किसके केस में बेटा रेजिस्टर के केस में करंट और ईएमएफ दोनों साथ साथ चलते हैं ठीक है सेकेंडली क्यों साथ साथ चलते हैं क्योंकि उनकी इक्वेशंस जो हमने बनाई है उनकी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग उनमें कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है फेज का डिफरेंस होने का मतलब है कि उनमें से ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे है अगर फेज डिफरेंस ही नहीं है तो वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होंगे सेम टाइम पे रुकेंगे ठीक है चलिए तो तीन पॉइंट हमने कर लिए थे 1 2 3 4 और अब फोर्थ पॉइंट हम करेंगे फोर्थ पॉइंट में बताना होगा फेज डिफरेंस तो मैंने इन प्योर रेजिस्टर सर्किट इन प्योर रेजिस्टर सर्किट In pure resistor circuit, there is no any phase difference. There is no कोई phase difference नहीं है. ठीक है यहाँ तक clear हुआ तुम्हें बेटा? चलिए आगे फेज डिफरेंस हो गया अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट होता है बेटा कंपोजिशन फैक्टर ऑपोजिशन फैक्टर किसका ऑपोजिशन होगा देखो बेटा ऑपोजिशन का मतलब है करंट को अपोज करने वाला फैक्टर कौन सा है तो हम सब जानते हैं कि रेजिस्टर हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इंडक्टर और कैपेसिटर न्यू है हमारे लिए कैपेसिटर भी तुमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया था इंडक्टर इसी यूनिट में इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन रेजिस्टर तो क्लास 10 में इंट्रोड्यूस हो गया ठीक है तो रेजिस्टर में करंट को अपोज करने वाला फैक्टर क्या होता है उसको क्या बोलते हैं तो आंसर है रेजिस्टर में अपोज जो करेगा करंट को वो होगी रेजिस्टेंस रेजिस्टर में अपोज करने वाला फैक्टर है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस करंट को अपोज करती है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे चाहिए ओपोजिशन फैक्टर का मतलब है मुझे ओपोजिशन का फॉर्मूला बताओ अब रेजिस्टर के केस में ओपोजिशन कौन है रेजिस्टेंस है तो इसमें लिख लेते हैं तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस दैट इज आर तो आर का फॉर्मूला क्या होगा हमें पता है आर का फॉर्मूला ओम्स लॉ से निकाल लो जब भी मैं इस वोल्टेज को करंट से डिवाइड करूंगा तो मुझे ऑपोजिशन फैक्टर मिलेगा याद कर लो ऑपोजिशन फैक्टर ओम्स लॉ से हमें पता चलता है कि अगर हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दें तो ऑपोजिशन फैक्टर आ जाता है तो अब भी हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो आर बनेगा हमारे पास क्या ई बाई आई ये होगा अगर हम अपनी वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दूं तो दैट इज कॉल्ड द ऑपोजिशन फैक्टर तो अब यहाँ पर क्या करना है तुमने E नॉट बाई आई नॉट करना है मैक्सिमम वैल्यू लेनी है पीक वैल्यू हमें लेनी है जब भी तुम ऑपोजिशन फैक्टर निकालोगे तो पीक वैल्यू लेनी पड़ेगी ठीक है बेटा किसी को ज्यादा कोई डाउट तो नहीं है
तो E naught by I naught यहाँ पे हमारा opposition fit कर रहा है। चलिए इसका ऐसे unit सब हो गया और इसका ऐसे unit कम हो ऑपोजिशन फैक्टर के बाद वो होता है वेव डायग्राम। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसका तो वेव डायग्राम भी इजी है। देखो रेजिस्टर वाला केस बहुत इजी है, ये टफ केस नहीं है। इसके बाद जो करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इजी है, सब इजी है इसके अंदर। इसमें ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा इजी भी है, मुश्किल नहीं है चैप्टर। थर्ड यूनिट हमारा इलेक्ट्रिक था, ये इजी है। चलिए फिर उसके बाद आते हैं सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट है बेटा वेव डायग्राम। जी वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये टाइम है ना, हो गया ई एम एफ। तो हम पहले ई एम एफ की वेव बनाते हैं, यहां कुछ भी बदल लेते हैं। ठीक है, देखो ई एम एफ की वेव क्या है। ये तुमने ईएमएफ की वेव बनाई, ठीक है। अगर मुझे करंट की वेव बनानी हो तो करंट की वेव भी इसी में बनानी पड़ेगी, और करंट की वेव ना तो आगे बनेगी ना पीछे बनेगी, बिल्कुल इसी के साथ और इसी के जैसी बनेगी। क्यों? उनके बीच में क्या नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन करंट की वेव को ईएमएफ की वेव के जितनी हाइट मत देना, करंट की वेव थोड़ी सी डाउन बनेगी। क्यों डाउन बनेगी करंट की वेव? देखो यहां ये वाली जो वेव है, ये ईएमएफ की वेव है। E is equal to E naught sin omega t को रिप्रेजेंट करती है ये, ठीक है। और ये वाली जो अंदर वाली वेव है बेटा, ये वाली वेव, ये करंट की वेव है। I is equal to I naught sin omega t, इस इक्वेशन से ये वेव आती है। तो करंट की वेव थोड़ी सी डाउन क्यों बनी? क्योंकि करंट बेटा थोड़ा सा हमेशा कम होता है वोल्टेज से। क्यों? वोल्टेज को तो कोई अपोज नहीं करता, लेकिन करंट को अपोज करने वाला फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑपोजिशन फैक्टर। और रेजिस्टर के केस में वो ऑपोजिशन है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करंट को थोड़ा कम कर देती है। करंट की वेव की हाइट सेम नहीं होती, थोड़ी सी डाउन होती है, और वोल्टेज की वेव थोड़ी ऊपर होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट ये है नोट करने का कि इनमें फेज डिफरेंस ना होने के कारण दोनों वेव सेम टाइम पे स्टार्ट होती है और सेम टाइम पे खत्म हो जाती है। कोई भी वेव इनमें आगे या पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि करंट पहले स्टार्ट हुआ था वोल्टेज बाद में स्टार्ट हो गई है, या वोल्टेज पहले स्टार्ट हो गई थी करंट थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में ऐसा हो, लेकिन अभी रेजिस्टर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ तुम्हें बेटा? रेजिस्टर का केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है और सबसे ईजी भी होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अभी तुम धीरे धीरे जब अगले कॉम्पोनेंट्स पढ़ोगे इंडक्टर और कैपेसिटर, तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर हमारा सर्किट वर्क कर रहा है, मतलब सर्किट कोई काम कर रहा है, तो वो काम किसके कारण कर रहा है? वो इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है सिर्फ रेजिस्टर के कारण। जिस सर्किट में रेजिस्टर नहीं होगा वो सर्किट काम नहीं कर सकता, वर्क ही नहीं कर सकता, ठीक है। वो सर्किट से तुम कोई वर्क नहीं ले सकते, वेस्ट हो जाएगा। तो डैट मीन अगर हमारे हर सर्किट के अंदर रेजिस्टर होना जरूरी है। क्यों रेजिस्टर होना जरूरी है? क्योंकि इससे हमें क्या होता है, वर्क मिलता है, ठीक है बेटा। और इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि अगर मैं करंट को अपोज कर देता हूँ, करंट को रोक लेता हूँ, तो रेजिस्टर होने के कारण वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि हमें एक फार्मूला पता होता है ना, H is equal to I square RT। फिर हमें ये फार्मूला पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट का, H is equal to I square RT। तो अगर करंट और रेजिस्टेंस आ जाए, रेजिस्टेंस जहां पर आ जाए तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट जरूर होता है। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि रेजिस्टेंस के कारण, रेजिस्टर के कारण हमारा हीटिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन विदाउट रेजिस्टर हम वर्क भी नहीं कर सकते, ये याद रखना। सिर्फ वर्क कौन करता है? रजिस्टर करता है। अभी प्रूफ होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ोगे जैसे समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा एसी सर्किट विद प्योर रजिस्टर। तो इसके अंदर अभी एक पॉइंट रह गया हमारा, वो पॉइंट कंप्लीट करते हैं वेव डायग्राम से बाहर। वेव डायग्राम के बाद वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7,
दैट इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम, फेज डायग्राम बोल दो या फेजर डायग्राम बोल दो, बहुत सिंपल सा डायग्राम है चलते डायग्राम। अब मुझे पता है कि जो मैंने ईएमएफ की लाइन लगानी है वो कितने एंगल पर लगानी है, ओमेगा टी एंगल पर, बेस लाइन से कितना ऊपर रखना उसको ओमेगा टी ऊपर रखना, और करंट की भी जो लाइन लगानी है वो भी ओमेगा टी ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है, एंगल ओमेगा टी है बेस लाइन से, तो जब दोनों ही ओमेगा टी एंगल पर इंक्लाइन हो जाएंगे तो लाइन दोनों सेम लाइन पर दोनों लाइन आ जाएगी। तो देखिए यहां पर ये बेस लाइन है बेटा, यहां से मैंने ईएमएफ की लाइन लगाई, ये ईएमएफ की लाइन है, ठीक है, और ये कितने एंगल पर लगाई है बेस लाइन से, तो आंसर है ओमेगा डी पे, एंगल कितना बनाया है इसका, ओमेगा डी एंगल बनाया है फेजर डायग्राम। जो हेड होता है ये वाला, जो हेड होता है बेटा ये हेड, ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ईएमएफ की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये होगा ई नोट, दैट इज द पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहां पर है, टी टाइम पर वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेक करनी है, तो ये दिस इज द इंस्टेंटेनियस, क्लियर है। अब पॉइंट ये है कि करंट की जो लाइन लगानी है, करंट की लाइन भी ओमेगा टी एंगल पर ही लगानी है, क्योंकि उसका एंगल भी ओमेगा टी है, लेकिन करंट की लाइन इतनी बड़ी नहीं होगी, थोड़ा सा छोटा रख देंगे, ये सेम पॉइंट पर करंट की भी लाइन आ गई, क्योंकि करंट का एंगल भी कितना है ओमेगा टी, तो ये जो एरो होता है ये पीक वैल्यू होती है आई नॉट, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है टी, ये है बेटा इसको फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तुम्हें सारे करने होते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम करेंगे इंडक्टर का, इंडक्टर में भी डायग्राम, ईएमएफ इक्वेशन, करंट की इक्वेशन और ऑपोजिशन फैक्टर, ऑपोजिशन फैक्टर के बाद आएगा हमारा बेस डायग्राम, देन फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम, तो ये सारे तुम्हें करने हैं। बस इतना ध्यान रखो कि रेजिस्टर के केस में फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों का एंगल सेम होता है, यहां पर भी देख सकते हैं दोनों का एंगल सेम है, सेम होने के कारण एक ही लाइन पर दोनों लाइन जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी एंगल सेम होने के कारण वेव जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पर दोनों वेव्स एक साथ कंप्लीट हो रही है, ठीक है बेटा। तो आज बस इतना ही करेंगे, आज का यही टॉपिक है, ऐसे सेपरेट करो जस्ट, बाकी का जो टॉपिक है वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, ओके बेटा।